यहाँ तक अभी आज डेट का कल किया था ना, इंटसिके वगैरह हाँ, डेट टाइम के हम देख रहे थे, बाकी फिर मेरा नेटवर्क चले गया। हाँ देख रहे थे ना, हुआ नहीं था। इंटसिके फंक्शन था, कोई मेरा एक फ्रेंड था वो ज्वाइन नहीं किया, करेगा तो करेगा। एक फ्रेंड है वो, उसको ज्वाइन करना था, पता नहीं कब करता है। स्टूडेंट ही है अपना, वो बोला था मेरे को, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ। अभी एक एग्जांपल लेते, ठीक है, हम सर एक्स इज इक्वल टू इंट सी के, तो यहाँ पे हम ईयर्स, ईयर पहले लिखेंगे, ओके ईयर, देन उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ, क्या बोले थे, 20 मार्च कुछ बोले थे ना, 22 मार्च, 22 मार्च 22 2002 टू, मुझे मार्च में क्या लिखना है वो याद नहीं है, रुको एक बना के देखते हैं अपन मार्च के लिए। मुझे ना मार्च का मुझे याद नहीं आ रहा है फॉर्मेट में, उसका कैसे लिख के आता है वो। देखते हैं डेट, ये कैसे आता है मेरे को देखना है, थोड़ा भूल गया मैं। मार्च कुछ तो भी लिख के आता है, वही याद नहीं अपन ने आया। DDMM वाई वाई सही से नहीं लगाया, मतलब वो नहीं आएगा वहां पे। हाँ DDMM वाई वाई, मतलब वही इससे तो है पहले ना। आपने 22 मार्च और वो लिखा था ना इनपुट में इनफॉर्मेट, जो आपने DDMM वाई वाई डेट नाइन आएगा ना शायद रीडिंग के लिए, मतलब आपने पहले जो डेट लिखी थी उसके लिए। नहीं वैसा कुछ, MAR लिखा रहता है, मैं वही सोचो क्या लिखा रहता है, वही याद नहीं आ रहा था। MAR लिखा रहता है, क्या बोले, इसका बोले क्या, ये नहीं, वाला। वो हाँ ये इसके लिए ना जो आपने अभी लिखा है, और डेट नाइन उसके लिए था जो आपने पहले फॉर्मेट में लिखा था कार्ड्स में 22 मार्च। नहीं अच्छे से उसको देखना, ये इनफॉर्मेट हाँ में हमेशा यही रहता है, फॉर्मेट में हम चेंज करते हैं, डिस्प्ले क्या करना है, ये रीडिंग के लिए, रीडिंग के लिए। हाँ रीडिंग और डिस्प्लेइंग पर्पस। तो ये रीडिंग के लिए यही पर रहेगा। जैसे कि आपने कार्ड्स में आप उस तरीके से लिखोगे जैसे कि 22 MAR 2002, हाँ तो यहाँ उसको पे रीड कुछ भी करने लिख के लिए तो सकते डेट हो, नाइन ही होगा ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है वो लिख सकते हैं। डेट 7 करके देखो, डेट 7 था ना ये तो फॉर्मेट। डिस्प्लेइंग पर्पस के लिए है ना, हाँ तो मैं यही बोल रहा हूँ, हम पर यहाँ पे रीडिंग सेम ही पर्पस रहेगा, रीडिंग पर्पस सेम ही रहता है। सिर्फ DDMM वाई वाई टीम ही रहेगा। हाँ तुम ट्राई, तुम प्रैक्टिस नहीं करते यार, मुझे पता है। आप एक बार कार्ड्स में वो करो ना 22 मार्च 2002 अच्छा कार्ड्स में जो आपने लिखी है डेट वहाँ पे इसको। अभी यहाँ पे चेंज करके देखेंगे, ऐसा बोल रहे हैं ना, है ना। नहीं 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 फॉर्मेट में नहीं, इन फॉर्मेट में वही रहेगी ना, यहाँ क्यों चेंज करेंगे हम, यहाँ तो डिस्प्लेइंग पर्पस के लिए, यहाँ तो हम हाँ कुछ भी डाल सकते हैं ना, कोई सा भी अच्छा, फॉर्मेट डाल यहाँ पे सकते हैं चेंज उसको। करना है। यहाँ पे नहीं सिर्फ, हाँ यहाँ पे यही रहने दो तो हो हाँ जाएगा यहाँ ना, पे तो वही रहेगा, यहाँ पे करके यही देखते हैं ना इसको रहेगा, रन। इसमें रन करोगे तो वो डैश डैश वाला आएगा। हाँ तो डैश वाला आएगा ना यहाँ पे, फिर हमको इनफॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, इनफॉर्मेट जो डीडीएम कार्ड्स में उसके हिसाब से करना पड़ेगा रीडिंग के लिए। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, हाँ यही तो बोल रहा था मैं, यहाँ पे आपको डेट नाइन करना पड़ेगा ना, DDMM वगैरह कांस्टेंट नहीं है अगर आप चेंज करते हो।
अच्छा ये वाला बोल रहे थे। अच्छा हाँ यही बोल रहा था मैं कि आपको इन्फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा ना, वहाँ DDMM बाय बाय नहीं आएगा हमेशा हाँ तो हाँ वो आपको तो है। नहीं मैं आपको अगर ये तो। रहा तो वो जो था ना हमारा प्रीवियस, हाँ उसमें तो DDMM बाय बाय ही है हाँ उसका। इसमें रहा तो हमेशा यही रहेगा, हाँ हमने एग्जाम हाँ वो पॉलिसी कर समझा ली। मैं। अच्छा हाँ तो वही मुझे वही बस कर रहा यही हूँ। चेक करना था कि इसमें MAR रहता है क्या रहता है। ओके 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 तो यहाँ पे मैं वो ऊपर ऊपर का समझ रहा था इसलिए नहीं नहीं थोड़ा। वो तो मेरे को सब समझ में आ गया था, फॉर्मेट इनफॉर्मेट तो वही बात कर रहा था। आपने बोला वहाँ DDMM भाई भाई रहेगा, पर वहाँ तो जो हमारे पास डेटा नहीं उसके तो अकॉर्डिंग मैंने जो इनपुट रहेगा कार्ड्स में ना। लिखा था इसलिए मैं बोल रहा था कि उसमें DDMM भाई भाई ही रहेगा। हाँ उसमें रहेगा आज की तारीख क्या है, 15 सितंबर। सितंबर दिल्ली बेटा। देखते हैं बीस साल के हो गए ना हाँ आया हाँ है और ना। ये लॉग में दिखाता है, नहीं इसमें भी आता है वो अगर तो हम तुमको, वेरिएबल बनाना चाहे तो वेरिएबल भी। हाँ हाँ वेरिएबल तो बन गया ओके ना, ओके हाँ एक्स वेरिएबल, वेरिएबल हाँ 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 बन चुका है। 20 साल ऐसे रहता है इसमें इंट सिक्के में। फिर हमें एक रहता है इंट एनएक्स करके रहता है। तो एनएक्स में क्या होता है, अगर हम यहाँ पे ईयर लिख रहे हो ओके, और यहाँ पे ये डेट है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आप 27 साल के बाद क्या डेट आएगी, वो सब चीज़ यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे 27 हो गया। इसमें और सारा होगा वेरिफिकेशन, तो तुम देख सकते हो इसमें इसके डेट भी फॉर्म। क्वेश्चंस आते हैं। इसके क्वेश्चंस नहीं आते लेकिन हाँ फंक्शंस के तो आ सकते हैं, लेकिन हम यूज में ये हमको यूज में आता है बाद में। ये इंटेक्स ये आते हैं हाँ आई ये एन टी सब ए आते हैं, एनएक्स। सब आते हैं। एक ओके ओके इंट सी के रहता है, और क्योंकि डेट ऑफ बर्थ निकालने के लिए इंट सी के का यूज करेंगे हम। जैसे इन्फॉर्म अच्छा कंसेंट डेट हो गया और हाँ बर्थ हाँ डेट हो गया, ऐसा है। तो अगर हमें किसी की अगर हमें उम्र निकालना है तो हम ये वाला कोड उसमें अप्लाई कर देंगे। ये देखो ओके, आपका 27 साल के हाँ कब हो गए, ये तारीख को होंगे आप, 1 जनवरी दो उन्नीस कुछ तो भी ऐसा है, 2019। 2029 ऐसे वो चलते रहते हैं ओके। इंट एनेक्स का हो में। गया, ये दो रहते हैं। बाकी तो हमने कल किए थे ना डे टू डे वगैरह जो कुछ भी था। तो लेकिन ये इम्पोर्टेंट रहते ओके। और आपने टाइम का बता दिया कि हम टाइम एक जैसा रहता तो हम सेपरेट करते हैं वेरिएबल्स को भी डेट पे। तो हाँ DHMS वगैरह वो सब चीजें थी उसके अंदर। हाँ वो सही से समझ नहीं आया था सर, कौन सा वाला, वो नीट नहीं आ जा तो वो रहा था ना। रिकॉर्डिंग नहीं भेजा शायद मैंने उसका, फिर हाँ वो रिकॉर्डिंग किया रिकॉर्डिंग है में देखा है। नहीं। हाँ उसमें हूँ, उसके लिए उसमें कौन है। सा किस फंक्शन यूज होगा है में किसके लिए, डेट सेपरेट करने के लिए, टेमो टाइम और डेट को। पार्ट, डेट पार्ट का होता है ओके। तो अभी आज क्या पढ़ेंगे अपन, फंक्शन तो हो गया, सिलेक्ट स्टेटमेंट हो गया था क्या हमारा, क्या सिलेक्ट स्टेटमेंट हाँ नहीं हुआ आई थिंक ये। क्या। चलो इफ एल्स ले लेते हैं हम, नहीं इफ एल्स भी हो चुका इफ इल्स हो गया है। है ना, इफ एल्स भी हो चुका है, सब कुछ तो हो गया ओके। एक कुछ का इंटरव्यू के क्वेश्चंस बोले थे ना, वो हाँ कुछ निकाल के रखा हूँ मैंने पहला। जैसे ओ थैंक अगर यू। कुछ क्वेश्चन है आपको कि हमें अगर सभी फॉर्मेट्स को रिमूव करना है, हम बहुत सारे फॉर्मेट अप्लाई करते हैं ना, ये सब हो गया ये सब हो गया, पूरा प्रोग्राम में रन हाँ रहेगा हाँ ओके, तो अगर वो हमें रिमूव करना है तो आप क्या वाला यूज करोगे, तो
तो आप ये वाला प्रोग्राम यूज करोगे। ओके, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन अगर आया आपको कि फिर इन्फॉर्मेट्स के लिए आएगा, तो ये ऐसे ही रहेगा, बस इसमें इन्फॉर्मेट ऑल। ये ये मतलब क्वेश्चन अप्लाई साइन कैसे करना जब हम प्रोग्राम करेंगे ना तो वहां पे हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसमें दिखता है क्या? देखो आ रहा है। है? हाँ ऐसे तो जब तो बस ये देखते कहीं पे भी इसको यूज करके रन करने का है। ठीक ये सब चीजें हमेशा अलग ही करना पड़ता है। जैसे टाइटल का हो गया, टाइटल देना रहा तो हम हाँ टाइटल देते हैं, फिर बस सिर्फ टाइटल लिख के सेमी कॉलम दे के रन कर दो, वो हट जाएगा। वो ग्लोबल ठीक है। ऑप्शन और जैसे हम यहाँ पे सिंगल सिंगल हम देख रहे थे ना, पुट एक्स लॉग में देखने के लिए वेरिएबल्स को, अगर हमें सबको हमें देखना है, थोड़ा सा आइडिया तो आ गया होगा हम क्या यूज टोटल करेंगे। टोटल ये शायद मैंने बताया अभी था, ये होता है हम शॉर्टिंग करेंगे आगे जाके। जैसे प्रॉक सॉर्ट करके एक आता है, उसके लिए प्रोग्राम आता है प्रोसीजर से, तो उस अगर हमें सभी के थ्रू सॉर्ट करना है, कोई एक एग्जाम सॉर्ट तो अपन बाद में देखेंगे, उसका एग्जाम्पल बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो उसके लिए हम बाय यूज करेंगे। वैसे तो हम बाय और वेरिएबल के नाम यूज करते वहां पे, लेकिन यहाँ पे हम ऐसे वाला यूज करेंगे। ऐसा है। और लाइब्रेरी क्लियर करने का आई थिंक मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में। लाइब्रेरी क्लियर करने का बोल रहा है। हाँ, डिलीट करने का बताया होगा ना, अगर हम कुछ डिलीट या ना किल बताया था आपने यार। क्लियर का बताया होगा। किल वाला भी, किल तो डेटा सेट्स के, इन डेटा सेट्स वगैरह डिलीट करने के लिए था वो। हाँ वो एक बोला बार यार था देखना, आपने। तुम नोट्स बनाओ अच्छे से यार, क्योंकि इतना हाँ कुछ बना मैं रहा हूँ भी याद सर, नहीं। हाँ मैं डेटा सेट ऑप्शंस तक आ गया हूँ करते करते। अभी बस कैरेक्टर और न्यूमेरिक फंक्शंस करूंगा ओके उसमें ठीक ऐड पढ़ के। हाँ यहाँ तक आ गया है। हूँ। पीडीबी ठीक है, तो अभी हम थोड़ा उस का भी अभी कर लिया है, ठीक इनपुट है। बफर का भी कर लिया है, हाँ ओके हाँ और ठीक है। सेस के वो कीवर्ड्स जो आपने बोला था, स्टॉप ओवर, फ्लो ओवर, मिस ओवर भी कर लिए हैं, डीएलएम डीएसडी भी कर लिए हैं, डाटा चलो क्रिएशन की स्टेप्स भी कर लिए हैं, चलो, और फिर हो बाकी गया कुछ सेस, नॉर्मल चीज़ें भी कर लिए। ठीक हो गया सेस, क्लोज कर देते हैं क्लासेस। है अभी हम जाते हैं डुप्लीकेट्स पे। एक एग्जांपल लेते हैं हम, सर, रीनेम ऑप्शन और रीनेम स्टेटमेंट में क्या फर्क है? रीनेम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को जो कुछ भी हो ये इसके बाद आता है। इसके बाद सेट वगैरह हम यूज करते हैं ना, किसी से उठाना है तो उसके हाँ बाद वो जो भी हम स्टेटमेंट चेंज। होता हाँ, और जो ऑप्शन है वो और यहाँ ऑप्शन यहाँ यूज सेट कर के लेते इसमें ही हैं। आता है, सेट के इसमें ही आ जाता हाँ है वो, हाँ ऐसा तो रहता है। इसमें फर्क क्या क्या रहता है? नहीं, ऑप्शन थोड़ा फास्ट होता है ना। हाँ ये फास्ट मेरे को पता है कि वो हाँ पीडीबी में पहले ही कंपाइल कर देता है, हाँ कंपाइल लेकिन फेज में कर इसलिए देता है फास्ट, उसको। हाँ क्योंकि वो साथ में ही पकड़ लेता है, रन करने में टाइम नहीं बच जाता है उसको, और वो एक ही इसमें हो जाता है। बस हमें इक्वल टू का साइन देके इसे अभी रीनेम करते थे हम लोग, आगे आएगा वो ऐसे रीनेम करके पूरा हम इस एक साथ पूरा लिख सकते हैं। ऑप्शन में एक एक का लिखना पड़ेगा, ऐसा रहेगा। ऑप्शन ओके, में मतलब सबका लिखना पड़ता है, आएंगा ना बाद में आएगा वो, अभी ओके ओके छोड़ो ओके ओके उसको। बहुत टाइम है उसको अभी तो। और एक सपोज पंकज है, ओके दो पंकज है, तो ओके ऐसे दो पंकज है ना इसमें, तो हमें अगर डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है, ओके तो ये डुप्लीकेट है ना, तो डेटा सेट्स एक आता है, सॉरी डेटा सेट स्टेट जो रहता है ना, डेटा स्टेट्स जो हम यूज करते हैं डेटा सेट लेवल में, हाँ डेटा सेट लेवल जो रहता है इसमें हम यूज करेंगे फर्स्ट डॉट
लास्ट डॉट ओके, और प्रोसीजर्स जो थे ना, जिसे सॉर्ट हो गया, सॉर्ट करेंगे हम लोग, सॉर्ट करेंगे। तो इसमें इसमें हम यूज करेंगे नोडुप की या फिर नोडुप ब्रेक या फिर अभी भी क्या हो गया रे इसको पैरेलल्स में थे, एक नोडुप रहेगा नोडुप की और एक नोडुप ब्रेक, ये दोनों एक ही है, नो डुप ब्रेक्स। एक एग्जांपल लेते हैं, इसको रन कर रहे थे, रुको इसमें ना हम एज भी, एक और एग्जांपल इसमें डालता हूँ, ये अल्फाबेटिकली होता है ओके। अगर हम कैरेक्टर्स को दे रहे तो अल्फाबेटिकली होगा ए बी सी डी के अकॉर्डिंग। अभी पी एन जो भी है पहले क्या आते हैं सी ओके, अल्फाबेटिकली आया। अभी ये सब रिपीटिंग रिपीटेटिव है ना, अभी फर्स्ट हम नोड अप ट्राई करते हैं। देखो उसने सिर्फ एक को ही रिमूव किया ओके, क्योंकि हाँ, ये दोनों रिपीट रिपीट हो रहा था ना पूरी तरीके से, वो था हाँ, डुप्लीकेट 66p। हाँ इसे अभी यहाँ पे नोडुप की ट्राई करके देखते हैं, देखो वहां पे दो थे ना कॉपी। नोडुप क्या करता है, वो सिर्फ हम जो बाय वेरिएबल यूज चूज करते ना सिर्फ वो उसी को पकड़ेगा ओके okay? और नोडुप की क्या करेगा, पूरे वेरिएबल्स को पकड़ता है, वो दोनों को पकड़ता है, होल डेटा सेट्स को रीड करता है। तो यहाँ पे दो दो ये थे ना डुप्लीकेट्स थे, इसलिए उसने दोनों को ही रिमूव कर दिया। ये है इसका जादू, जैसे एक तीसरा वेरिएबल है जिसमें ये पूरी वैल्यूज अलग अलग हो तो वो नहीं पकड़ेगा, तो नहीं करेगा ना नोडुप ब्रेक, नोडुप की फिर इसमें यूज नहीं आएगा, देखते फिर भी 22 करके देखते। पहले नोडुप की देखते हैं, ओके चारों दिख रहे हैं, गए वो रखता ही नहीं है, किसी को नहीं रखता वो, इसलिए हम मोस्टली नोडुप ही यूज करते हैं ओके, नोडुप की यूज नहीं करते, बस वो एग्जांपल के लिए तुमको बता रहा हूं समझा। अभी हम कुछ एग्जांपल क्या लेंगे, इसके तो हो गया वैसे, नोडुप की याद रखना हमेशा, और ये जो था ना ये सब चीजें ये तो बाद में आएंगी। और इसमें एक और आता है, हम जो प्रॉक एसक्यूएल यूज करेंगे ना तो उसके लेवल पे हम यूज करेंगे डिस्टिंक्ट यूज करेंगे वहां पे प्रॉक एसक्यूएल में। तो ये तीन लेवल, ये इंटरव्यू में पूछेगा तुमको ओके, इसको तो हाईलाइट ही कर देना अच्छे से। मतलब क्या पूछेगा, डुप्लीकेट डेटा आप कैसे रिमूव करोगे हाँ, तो हम उसमें बोल सकते हैं डेटा सेट लेवल के लिए फर्स्ट डॉट लास्ट डॉट, वो हम बाद में अभी करेंगे या फिर कल करेंगे क्योंकि बहुत बड़े है वो। उसके बाद प्रॉक एसक्यूएल, वो तो एडवांस का है, ये बेसिक के, अभी आप स्लोली स्लोली हम जा रहे हैं ना एडवांस तरफ, इसीलिए फास्ट नहीं, हम सैटरडे संडे दो दो दिन ले रहे ना, इसलिए जल्दी जल्दी हो रहा है। उसके बाद फिर ये
प्रॉक्सॉट में ही आता है। नो डू प्रे, ये नहीं करा। ये भी वही है, ये मैंने देखो ना यहाँ पे और का साइन दिया है ना, ये सेम ही है ना, कुछ भी अंतर नहीं है। इसका और इसका दोनों भाई है, देख लो। ये सब चीजें थोड़ा खुद भी ट्राई करना, ऐसे अपन एक एक एग्जांपल लिए तो हो गया। सभी हटा दिया, की वाले के जैसा ही है। हाँ, ये मैंने आर का साइन दिया ना, दोनों एक ही है। ये नोडुप के जैसा नहीं, नोडुप की के जैसा है। हाँ इसलिए आर का साइन दिया, नो डुबकी के साथ में इसको। ओके ओके ओके। ठीक है चलो, ये तो हो गया। अभी अभी हम अब क्या करेंगे, फर्स्ट सर मैं और आपको लास्ट जॉब डिस्क्रिप्शन दूं, आप मेरे को समझाओगे क्या? कोई रिज्यूमे दिखाओ मुझे। रिज्यूमे नहीं, सिर्फ एक बार समझने का था कि ये वर्क क्या दे रहे हैं इसका। ये सारा फ्रेशर के लिए जो मैंने अभी देखा है, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ। यार इसमें वांटेड निकल दिखते हैं ना, इसमें आ रहा नहीं क्या? मैंने आपको व्हाट्सएप किया है इनको जॉब हाँ किया डिस्क्रिप्शन जो किया भी तकनीक। ये फ्रेशर का है। ए भाई रुक जा यार, इसमें कुछ समझ में नहीं आता। ये प्रोवाइड डेटा, क्रिएटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग सास एलिप्टिक्स प्रोग्राम, वैलिडेटिंग एलिप्टिक्स। चलो एड हॉक रिपोर्ट्स तो आएगा, सामने आएगा। असिस्टेंट प्रोग्राम स्पेसिफिकेशंस, स्पेसिफिकेशंस भी आएगा सामने, वैलिडेशंस, ये सब। इतना कुछ देता है बे फ्रेशर्स को? ये सारे फ्रेशर्स के ही है आज ही मैंने देखे जो अभी तक आए हुए। कुछ स्टेटिस्टिक कुछ तो अप्रूवल। इजी है, कुछ कुछ में इजी दिया मतलब। हाँ ठीक है, इतना ज्यादा वर्क नहीं है, इतना मतलब डीप वर्क नहीं है। स्टार्टिंग में बस टेबल्स बनाओ, लिस्टिंग्स करो, वही रहता है, हो गया। और ईडीसी तो अभी उसका बता नहीं सकते उतना, क्योंकि मैं खुद फार्मा इसमें नहीं। ये सीडीएम का रोल है वैसे, प्रोग्रामर्स का कौन सा नहीं वाला है देख रहे हो आप? पूरा। स्टार्टिंग से पहला स्टार्टिंग वाला देख रहे जो, हो? पहला हाँ जिसमें वाला लैब तो कॉर्प लिखा है, लैब कॉर्प। लैब कॉर्प का ना, ये तो कुछ ज्यादा ही लिखा हुआ है। बाकी नीचे वाले में थोड़ा इजी है, यहाँ आपको अंडरस्टेबल है थोड़ा सा। इंटरेक्ट विद प्रोजेक्ट्स नहीं, लैपटॉप का भी इजी है। क्या बस वो है, क्या नीचे मतलब का है मुझे नहीं लैपटॉप पता, वो का? ईओए क्या होता है वो नहीं पता, वो कुछ उनका होगा, नहीं, वो तो उनका खुद का लिखा हुआ ई ओ ई और वो ए एडम वगैरह एम्प्लॉयर। बस लिखा है, लेकिन तुमको काम नहीं है। हम वैसे हाई कपन कर लेंगे बाद में, एडम का भी वो उतना काम का नहीं है, क्योंकि वो 4 साल के बाद, 3 साल के बाद ही तुमको मिलता है। एडम को हैंडल करते आते ओके रोल, हैंड्स ऑन स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, सपोर्टिंग स्टडी एसेट्स टीम, ये सब वही है। सारे क्यूसी जो भी अभी तक निकली थी ना फ्रेशर के लिए, ये उनका है। डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं है। क्यूसी डॉक्यूमेंटेशन जो है, उस दिन देखो हमने स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बताया था तुमको, इधर वर्ड फाइल रहेगा, इधर ईडीसी रहेगा, हम कंपेयर करेंगे। हाँ कंपेयर हाँ करेंगे। वही सब चीज है वो ईडीसी क्यूसी डॉक्यूमेंटेशन। वो एक हफ्ता तुमको ओके उसी में जाता है, तुम्हारा जो इंचार्ज है तुमको परेशान ओके। करते हैं। देखो इस थर्ड वाले फोटो में लिखा है लिस्टिंग टेबल्स फिगर्स, ये सब चीजें फर्स्ट ईयर में काम में आती हैं।
ये क्या है, क्रिएटिंग वैलिडेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग सेल्स प्रोग्राम्स एंड मैक्रोस, मतलब ये एग्जी सेल्स प्रोग्राम के मैक्रोस और इनको ही करना है ना, एग्जीक्यूट और वैलिडेट। हाँ, वैलिडेशन हमें करना है उसके लिए प्रॉक, वो आता है प्रॉक कंटेंट वगैरह आता है, यूनिवेरिएट आता है, मैं तुमको उसका भेज दूंगा। ओके, और मैक्रोस तो हम देखेंगे आगे। मैक्रोस का ज़्यादा कुछ नहीं, 5-6 दिन का लेक्चर है उसका बस। ये क्या है, प्रोवाइड ADHOC रिपोर्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये वो एडहॉक मैं रिपोर्ट्स रहता है, एडहॉक रिपोर्ट्स रहता है, गूगल करके देखना उसको। ये तुमको गलती से भी क्वेश्चन में नहीं है, इंटरव्यू में नहीं पूछेगा, ओके वो फॉरेन का है, वो एडहॉक रिपोर्ट बनाना पड़ता है। उसके बाद ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वही वही है यार, वो ज्यादा का लिखते हैं उन लोग, कोडिंग भी आ गया बहुत है, हम तो अभी कर ही रहे ना, क्रिएटिंग एक्सिक्यूटिंग सैस एडिट चेक, सब जगह वही है, सैस एडिट चेक, सैट एडिट चेक्स। हाँ, वो मुझे पता है, वो फर्स्ट ईयर तुमको टेबल लिस्टिंग फिगर बोलेगा, एडिट चेक्स देखो बोलेगा, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करो एडिट चेक से, वही सब चीजें तुमको बोलेगा वो, 6 महीने तक तो एटलीस्ट बोलेगा, उसके बाद फिर तुम्हारा मेन शुरू होगा काम, ऐसा रहता है। चलो हाँ भाई, मैंने देखा कि आज ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट, सर को भी बता दूंगा कि ये सब हो रहा है। हाँ हाँ, नहीं ये सब चीजें जरूरी है ना, इसलिए। एक क्वेश्चन आता है TCS का, रुको मैं एक तुमको भेज, हम एक क्वेश्चन करेंगे आज, में मेरा भी हेड अप हो रहा है, क्वेश्चन ही कर दिया आज तो। सपोज कुछ नाम है, ओके, ये पूछ लेता है कभी कभी TCS में, ये तो वैसे हमने जो फंक्शंस पढ़े ना अभी हाँ वही सबका कॉम्बिनेशन है ये क्वेश्चन में, तुमको आइडिया दे रहा हूँ मैं कि हम जो क्वेश्चन फंक्शंस का रीडिंग करते उसका हम उसका एग्जीक्यूशन कैसे करें। ओके, क्या नाम देखिए, चलो तुम्हारा रखते हैं अभी, ये जैसे ये सरनेम भी इसमें चिपका हुआ है ना, ये भी है, तो आपको वो इंटरव्यू में पूछेगा कि हमें ये सेपरेट सेपरेट करना है और एक नया वेरिएबल बनाना है, आप कैसे बनाओगे? तो लेंथ चेक कर लेते, बताओ हमको इसी का यूज करना है, कैसे बना सकते हो? हमें सरनेम हमें अलग बनाना है, गुप्ता नाम से एक नया वेरिएबल क्रिएट करना है, लगाओ थोड़ा सा ही दिमाग लगाना बस, पता नहीं, कुछ वेट तो देखे करना होगा शायद। किसका बिट? सोचो सोचो, नेम में से तुमको यार, तुम बताओ मैं टाइप करता हूँ। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है सर अभी। याद नहीं है, याद कुछ करना है नहीं इसमें, हमने फंक्शंस यूज किए थे ना वही यूज करना है इसमें, बाहर का नहीं है, वही सब STR रिवर्स फंक्शन ये वो हमने सब यूज किए थे ना, तो उसी में से है, बाहर का कुछ भी नहीं है इसमें। बट अभी फंक्शंस याद नहीं हुए ना सर। चलो सेट क्या है उसका, n। ओके, हम बनाते हैं आई वेरिएबल, सरनेम नाम से वेरिएबल, सरनेम नाम से वेरिएबल बनाएंगे,
तो फर्स्ट तो इस नेम था ना वेरिएबल का ना, कॉमा देंगे, हमें एक ही लेटर उठाना है। लेंथ क्या है इसकी, 1 2 3 4 5। ओके अभी ट्राई करके देखते हैं, अभी तो नहीं आएगा, बहुत टाइम है इसको। हम अभी एक एक करके हम अभी जाएंगे उसके पास। ओके स्टेप वाइज। ओके अभी हम फंक्शन यूज करेंगे, ये तो नहीं आया। अभी हम डालेंगे रिवर्स फंक्शन, उसने क्यों रीड नहीं किया बता दो बाद में। विदाउट फंक्शन हम कुछ भी नहीं कर ओ भाई, सकते। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रहा है ऐसे? हेलो हाँ हेलो हेलो हेलो, 2 मिनट में आया सर। शायद नेट ने फिर से दिक्कत देना चालू कर दिया। हमने लेफ्ट फंक्शन देखे थे याद है, क्या काम था उसका? मतलब वो उस लेफ्ट में से वैल्यूज निकालता है ना, भूल है नहीं, ऐसा तो कुछ गया नहीं हूँ था। शायद तो। लेफ्ट साइड में जो स्टार्टिंग में जो स्पेस रहता है, एक्स्ट्रा स्पेस, वो हटाने के लिए यूज किए अच्छा थे ना। ओके ओके लेफ्ट फंक्शन कॉल हैज टू मेनी आर्गुमेंट्स, तो रिवर्स नेम, इसका यहाँ पे है। कुछ हो रहा है इसका, किधर है बे ब्रैकेट, यहाँ पे इसका नहीं है। ये देखो पहले, ओके एक एक से बताता हूँ कि ये है ना, ये उल्टा हो गया पूरा है ना, रिवर्स किया हमने, पूरा का पूरा नाम उल्टा हो गया। तो अभी हम यहाँ पे हम लगाएंगे इसको, लेफ्ट हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे स्पेस है ना, हाँ तो और हम कॉलम यूज करते हैं उसमें, कॉलम का जो भी नंबर वगैरह है फंक्शंस में। हाँ उसके विड्थ का वो जो भी पॉइंट है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन यूज करेंगे। ओके तो जैसे अभी उसका एक वर्ड उठाना है हमें, सॉरी एक लेटर उठाना है 5 वर्ड का। अभी रन करके देखते हैं, अभी तो होना चाहिए। भाई यार क्या हो रहा है भाई, सब कुछ तो सही जा रहा है। लेफ्ट फंक्शन कॉल हैज टू नेम, फंक्शन इसको हटा के देखते हैं। देखो सब स्टीयर यूज करना है, तो सब स्टीयर इसका ये लेफ्ट फंक्शन में कुछ गड़बड़ हो रहा है। लेफ्ट फंक्शन है सब स्टीयर इसमें था।
और हम फिर से रिवर्स यूज करेंगे। इसके लिए एक और चुना था, वही है यार, सेम प्रोग्राम है। तुम्हारा एक बार सॉफ्टवेयर ओपन करो, ओपन है क्या? नहीं ओपन नहीं होगी। अरे रखा करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, रन नहीं करता। ओपन रखा, हाँ करो तो, एक मिनट में पॉज। नेम क्या आ गया आपने डाला ना? हाँ ये जो मैं वही सोच रहा था, इसको कंप्लीट क्या करना है। देखो इसका जो कंप्लीट है वो यहाँ यार, देखो ये इसके लिए इतना था, ओके। फिर हमने ये वाला शुरू किया, उसका इधर, इसका ये वाला, और ये जो हमने ब्रैकेट क्लोज किया है बाहर, क्योंकि हम जब हम याद है सब एसटीआर यूज किए थे, सब एसटीआर यूज क्यों किए थे हमने? सब्सट्रैक्ट करने के लिए उसको, क्या एक स्कैन फंक्शन था, एक सब एसटीआर था। स्कैन फंक्शन तो किसी एक लेटर को करने के लिए था ना? लेटर नहीं, वर्ड। हाँ मेबी वर्ड, वर्ड मतलब एक पूरा वर्ड होगा ना, पूरा वर्ड, जैसे कृष्णा पूरा वर्ड है। हाँ तो वैसा वो वर्ड के लिए रहता है। और सब एसटीआर में क्या था, हम एक स्ट्रिंग को लेटर में हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। लाइक हम वहाँ पे कॉलम, जैसे हम फर्स्ट कॉलम से हम 5 वर्ड्स उठाने वाले थे, ओके। हाँ तो ये सब एसटीआर उसका यहाँ पे होगा शुरू, मैंने वो यहाँ पे दे दिया था। और वो रिवर्स भी हो जाएगा फिर? हाँ रिवर्स भी हो जाएगा, लेकिन अभी भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। ये देखो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, हाँ अभी फिर से रिवर्स करना पड़ेगा। अभी एक बार हम यहाँ पे रिवर्स मार लेंगे। अभी इसका ये सब बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा ना सर? कहाँ लेंदी है, इतना इजी तो है भाई। आ गया, मतलब पहले उसको रिवर्स करो, यही तो कोडिंग, सॉफ्ट कोडिंग है भाई, सॉफ्ट है। सॉफ्ट मतलब वही होता है, हार्ड होता है। हाँ प्रॉब्लम यही थी ना, क्योंकि उनके दोनों के आशा गुप्ता जो अपने घर है उसके, वो पूरे वर्ड्स सेम टू सेम नहीं, उसकी जितनी वेट था उसकी, कृष्णा के उससे किसकी वेट, अच्छा हाँ दोनों ऑब्जर्वेशन की वेट था अलग अलग। हाँ इसलिए तो मैंने दिया, वेट नहीं बोलते उसको, लेंथ बोलते। हाँ लेंथ, वेट यूज मत किया करो, वेट तो वो ओके, अलग ओके। हो गया ना, चौड़ा थोड़ी, चौड़ा ही हो गया ना उसका। लेंथ लेटर्स में लेंथ रहता है, लेंथ ओके बोलो। ओके लेंथ ऐसा रहेगा, ठीक है। ये है, ये इंटरव्यू में पूछेगा, इसको भी याद रख लेना। और हमने ये वाला, उसका आंसर कैसे करूंगा मैं सबसे पहले, मतलब प्रॉपर वे में बोलना हो तो? प्रॉपर वे में चलो एक और बताओ, कुछ एग्जांपल्स बताओ। और अभी तुम ही करना, मैं ये डिलीट कर रहा हूँ। काहे के बताओ कुछ नाम, कुछ भी, सलमान खान लिख दो। सलमान खान, शाहरुख खान है ना, आमिर खान। सलमान खान, इरफान खान कर देते, बेचारा अच्छा था। सेम हो जाएंगे ना? नहीं हाँ नहीं, होते ही नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि सेम ना हो। ओके एक अपन फ्लॉप वाला भी ले लेते ना, सोहेल खान। अरे यार इनकी साला एक ही है। चलो रोशन कर दे, नाम बदलना पड़ेगा फिर और लंबा हो जाएगा। अरे हाँ खाद करना पड़ेगा ना। हाँ वो पहले खाद कर दो, इंटरव्यू में पूछेगा ये, इंटरव्यू में पूछते हो। अच्छा तो फिर अलग कर ही दो। हाँ इंटरव्यू, भाई हराम खोर ये सब एक ही क्या है, शाहरुख खान। नहीं 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 हाँ चलो इसका ही हो गया। चलो अभी बताओ, लेंथ चेक कर लो, 12 है। चलो
अरे नहीं सॉरी, एन में था ना। चलो अभी तुम बताओ, मैं टाइप करूंगा। आधा घंटा लगेगा तो मैं आधा घंटा लूंगा। ओके इतना बड़ा मेरे को याद भी नहीं है, वो अभी आपने जो लिखा था रिवर्स करने के लिए उनको नया वेरिएबल बना के। ओके नहीं, लेकिन हल्का सा हिंट तो आएगा ना। ओके फिर डेटा के एन, हाँ मतलब के सेट एन, फिर नया वेरिएबल का नाम कर देंगे हम सरनेम इज इक्वल्स टू रिवर्स के, इसलिए रिवर्स ही हुआ ना वो। फिर पेरेंथेसिस में नेम हो जाएगा वो। फूट रखो। ओके देखो हाँ कर दूंगा। ओके भाई, अब तुम जो बोलोगे वही हम करेंगे। चलो खान तो आ गए, लेकिन अभी भी कुछ कमी है, स्पेस की कमी है। अभी स्पेस करने के लिए फ्रंट साइड के जो स्पेस है वो किससे रिमूव लेफ्ट करेंगे? से होंगे, लेफ्ट से रिमूव होंगे वो। और कुछ बताया था ना शायद मैंने, लेफ्ट के साथ साथ स्ट्रिप बताया था शायद। स्ट्रिप लेफ्ट ही उसका सबसे बेस्ट है। लेफ्ट रिवर्स नेम। चलो हो गया, ओके अब भी बताओ। हेलो हाँ बताओ ना। हेलो हेलो आओ जरा। हेलो हेलो, हाँ बताओ अभी। हेलो अब हमें इसमें से 5 4 वर्ड्स उठाना है। वो फाइव वो निकालना है अब। हाँ के फोर चेन फोर निकालना वर्ड्स है। हाँ 4 वर्ड्स उठाना है, हाँ 4 लेटर्स उठाना है। तो सब्स्ट्रैक्ट करेंगे हम ना फोर वर्ड्स। सब्सट्रैक्ट? नहीं, मेरे को सबस्टर फंक्शन का नाम बताओ ना। वो तो पता है, फुल फॉर्म पता है, छोटा नाम बताओ। सबस्टियार एसयूएसटी है। सब स्ट्रिंग है वो। ओके ओके तो वो लगे। अब यहाँ से फर्स्ट से हमको फोर उठाना है, फर्स्ट टू फोर। अभी और अभी हम रिवर्स कर देंगे इसको फिर से। हाँ हो गया, हो तो गया। कुछ ऐसे कंफ्यूज थोड़ी ना हुआ होगा। कुछ नहीं भाई, ऐसे ही बोला मैं, कोडिंग ऐसे करते करते हो जाता है इंसान। हो गया। ओके ये क्वेश्चन आएगा। हाँ ओके इसको नोट करके रख लेना एक शीट बना के। ओके तो इसमें पूरा बताना पड़ेगा। सबसे पहले हमको ये करना होगा, ये करना होगा, फिर ये कहाँ पे? हाँ जो हमने भी स्टेप वाइज किया, जो भी हमने हाँ स्टेप्स करी हाँ वो सारी डिफाइन करना। हाँ वो सब पूरा बताना पड़ेगा। बाकी अभी अभी तक उसमें से नेम में सलमान खान ही है, वो खान हटा नहीं है। कहाँ पे? नेम्स में तो उसमें सलमान खान ही है, हम नया वेरिएबल बना नेम्स रहे हैं वाले ना, वेरिएबल में। तो वो तो वही बाकी रहेगा, हम नेम्स नया वाले बना रहे वेरिएबल हैं। में तो खान रह गया। तुम्हें क्या लग रहा है मैं ओके मेरे पूरा को उठा लगा कि के हाँ इधर ला रहा हूं? हाँ उधर से नहीं, खान उठा नहीं के नहीं नहीं इधर। नहीं नहीं वो ओके वाला नहीं है, नहीं वो वाला नहीं है, वैसा नहीं है। वो पूछेगा तुम्हें कि अगर सिमिलर्स ऐसे हैं सरनेम्स वगैरह तो कैसे निकालेंगे, ऐसे एक तुमको ऐसे क्वेश्चन बना के देगा वो। ऐसा तो पूछेगा कि आपने ये जो वेरिएबल बनाया है ये कैसे बनाया। ओके ओके हाँ, ये क्वेश्चन पूछता है, मेरे को ही पूछा था। तो आपको ही यहाँ पूछा है। पे पूरे फंक्शंस का नॉलेज होना, लेफ्ट फंक्शन, ये इसलिए मैं बोला था फंक्शंस भी बहुत क्वेश्चन आते हैं।
वही रिवाइज करना ना, उनके भी नोट्स बना लूंगा अच्छे से। हाँ, अभी उसके नोट्स बनाओ। ओके, तो अभी अभी हम ना आज तो रख देते, कल पता है आप क्या क्या करेंगे? कल से पूरा फर्स्ट डॉट लास्ट डॉट डुप्लीकेट्स का जो मैं प्रोकेस्क्यूएल का तो बाद में भजा अपन करेंगे, सॉर्ट का तो हो गया वैसे, नो डुप की वगैरह। ओके, क्यूमुलेटिव सम एक बार तुमको बताया था, कल उसका मैं समर प्रोग्राम बताऊं। रिटेन, रिटेन वो तो कहाँ देखे, यूट्यूब पे देखे क्या या गूगल पे? आप ही ने तो बताया उसके साथ रिटेन यूज होता है। मैंने बता दिया था बे, मुझे खुद को याद नहीं रहता, इसलिए बोला। बहुत सारे बैच होते हैं ना, इसलिए। आपने हाँ बोला था तो सम के साथ रिटेन यूज होता है। हाँ, रिटेन यूज होता है उसमें, तो इसलिए हाँ। तो वो सब, लेकिन मैंने कोड ही नहीं बताया होगा शायद, क्योंकि वो बहुत लंबा वो कोड है उसका। हाँ हाँ, तो वो हम कल वगैरह पूरा ही कर लेंगे। और उसके बाद परसों तो 2 दिन अपने पास है, सैटरडे संडे छुट्टी है, फिर डू लूप करेंगे। ओके, लूप। डू हाँ, लूप लूप सर, लूप डू हम लूप डू को स्टॉप करते हैं एंड में। एंड एंड करते यूज उसके लिए। हाँ, मतलब एंड करते हैं उसके लिए, डू के लिए एंड, हाँ, स्टॉप आउटपुट के लिए। आउटपुट, हाँ स्टॉप उसके लिए तो रहता है। इनके और क्या क्या यूज होंगे? जैसे अपन ने जो सिर्फ एक ही बार उसका यूज करा था, तो किसका? हम डू स्लाइस ओबीएस या कुछ कर रहे थे हम ऑब्जर्वेशंस के लिए, तो हाँ हमने डू का यूज किया था। तभी हाँ क्या था, और तभी उसका एंड पता चला था कि एंड से एंड होता है वो। हाँ एंड के बिना डू, अगर डू यूज किया तो एंड आना ही करना ही पड़ता है। जितने बार तुमने उसके डू हाँ, लिखे उतने बार तुमको एंड लिखना पड़ता है। तो अभी हम डू फिर से यूज करेंगे या उसका ज्यादा यूज नहीं है? नहीं, अभी अभी शुरू, और अभी हम एडवांस की तरफ जा रहे हैं ना। अब आएगा ना डू? हाँ, वही तो बोला मैं, सैटरडे संडे, सैटरडे को हम 2 क्लास लेंगे ना, तो दोनों ओके क्लास में ये रहेगा, डू लूप। डू लूप आता है, डू व्हाइल आता है, डू अंटिल आता है, नेस्टेड लूप आता है, लूप के अंदर लूप। हम अच्छे से उसको एक डायग्राम लूप बना के देखेंगे। के अंदर भी लूप आता हाँ, नेस्ट वो घोंसला रहता है है। ना। ओके हाँ, तो हम पूरा उसका, मैं आपको सर्कल बना के, अच्छे से डायग्राम बना के उसके लिए एक अच्छा स्पेशल लेक्चर होना। ओके, तो देखेंगे कल, कम जमा तो करेंगे, नहीं तो सैटरडे संडे तो है ही अपने दो दो बैच। ठीक है, ये सब चीजें थोड़ा देख लेना, और फंक्शंस के ऊपर ना क्वेश्चंस चेक करो, इसमें आएंगे ना सेस, या फिर कुछ ऐसे एमसीक्यूज वगैरह होते होंगे, तो सेस फंक्शंस इंटरव्यू क्वेश्चंस देख लो। या फिर कुछ भी ट्राई करो। हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ सर, हाँ अच्छा सर, मैं, हाँ सर, यार हूँ, तुम यही चले हूँ। जाते हो यार, फिर मेरा मैं, माइक बंद था और मैं हाँ बोल रहा था। अच्छा हाँ, कल भी मैं ऐसे ही। गलती। ठीक है, तो अभी, अरे तुमको तो बुक दिया था ना मैंने। हाँ, हाँ, द वहां पे लिटिल पूरे सर। फंक्शन ट्राई करो। हाँ अभी आ रहा हूँ मैं, फंक्शन पे ही आ रहा हूँ सर सीधा। हाँ बस, कल देखेंगे, जमा तो रखेंगे, सैटरडे नाइट एंजॉय करो, परसों 2 क्लास जैसे ये रहेगा। इफ एल्स था, हाँ वैसे और भी कुछ होते हैं क्या ये, या फिर ये एक ही टाइप का होता है, फील्स ही होता है? इफ एल्स ही रहता है ओके ओके पूरे प्रोग्राम में, इफ एल्स ही रहेगा पूरे सेंस में, ओके या फिर वेयर यूज होगा, हैविंग, वेयर, ग्रुप बाय, वो सब चीजें एसक्यूएल में आएंगी फिर। ऐसा है, अभी तो फिलहाल बेसिक बेसिक हो गया अपना, अभी हम जाएंगे एडवांस साइड में। अभी तो ओके बस ऐसे ही थे, वो बच्चे थे छोटे, दुत्वी थे, बाद में एरे हाँ वगैरह आएगा। ठीक है। ओके।